इंटरनल ऑडिट, ओके, चैप्टर 4 इंटरनल ऑडिट एक डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट इज व्हाट बेटा, इंटरनल ऑडिट है क्या? सी, इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये समझो, क्या ये एक इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, एक सेपरेट कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का, राइट है। इंटरनल कंट्रोल तो आपका पूरा सिस्टम एंड प्रोसीजर है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, एक सेपरेट ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, तो वो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और स्ट्रांग करता है बेटा, समझे कि नहीं। पूरा इंटरनल ऑडिट हो रहा है आपका, सब कुछ हो रहा है, पूरा ऑडिट हो रहा है, कैसा क्या चल रहा है, एवरीथिंग। तो इट डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, सब कुछ करेगा, सब डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा ताकि एरर्स और फ्रॉड ना हो। मैनेजमेंट को प्रॉपरली एंड टाइमली क्या होगा, डिसीजन मिलेगा, वो डिसीजन ले सकता है मैनेजमेंट, टाइमली डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन, एवरीथिंग। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सबके बस की बात तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है भाई, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही रख सकते हैं जिनके पास अच्छा इनकम होगा। अब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे तो भाई इंटरनल ऑडिटर जो रहेगा वो भी तो सीए ही है ना, जो इंटरनल ऑडिटर रहेगा वो भी सीए ही रहेगा, तो सीए को रखेगा तो भाई उतना पेमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं होती, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। लार्ज, जो लार्ज बिजनेस है वही अफोर्ड कर सकते हैं, बराबर है। बट इसमें भी लिमिटेड है, इसमें भी लिमिट है, क्या है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखना कंपलसरी है, उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिपॉजिट कितना होना चाहिए, सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इंटरनल ऑडिट है क्या बेटा, देखो इंटरनल ऑडिट इज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये इंटरनल कंट्रोल का एक सेपरेट कंपोनेंट है, सेपरेट कंपोनेंट, एक पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, याद रखो, ठीक है। इट्स अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, स्टेब्लिश्ड, क्या बेटा, स्टेब्लिश्ड टू डिटरमाइन वेदर अदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वेल डिजाइंड एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड। यस यस बेटा, यस, बराबर है। ये क्या है बेटा, इंटरनल ऑडिट इज व्हाट, अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये एक सेपरेट कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का, एक सेपरेट कंपोनेंट है इंटरनल ऑडिट। क्या है बेटा, पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, याद रखो, इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्यों स्टैब्लिश करते हैं हम लोग इसको, स्टैब्लिश टू डिटरमाइन वेदर अदर इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब और भी जो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स है वो प्रॉपरली डिजाइंड है क्या, वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है क्या, वो सब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही देखेगा ना कि सब बराबर से चल रहा है कि नहीं, एवरीथिंग, पूरा जो भी मैनेज जो सिस्टम प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, सब बराबर से मैनेज हो रहा है कि नहीं, मालूम पड़ा, समझा कि नहीं, पूरा सब कुछ, बजटिंग करना, ऑपरेशनल एक्टिविटी देखना, एडमिन का सब कैसा है, एवरीथिंग, सबको ऑडिट करेंगे लोग, सब कैसा चल रहा है, बराबर से डिजाइंड हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, वर्क कैसा डिवाइड किया है, मालूम पड़ा, क्या सिस्टम है, पेमेंट पास हो रहा है तो उसका क्या सिस्टम है, सब ऑडिट करेंगे, बराबर। ऑडिट करके किधर भी लैक ना हुआ, वीकनेस हुआ, सीधा मैनेजमेंट को बताएंगे ये है, ये फटाफट कर दो। अब ये बाहर के तो ऑडिटर है नहीं, ये तो कंपनी के ही ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, कंपनी का एक सेपरेट कंपोनेंट है, तो ये तो कंपनी के लिए ही काम करेंगे ना, जो भी वीकनेस है तुरंत बताएंगे मैनेजमेंट को, इसके ऊपर काम करो, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं। तो इंटरनल ऑडिट, नॉर्मली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जो भी काम करने वाले सीए है वो नॉर्मली एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं बेटा, एम्प्लॉय, नॉर्मली, ठीक है, याद रखो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, नॉर्मली वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो पता है सबको, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, और कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो एक्सटर्नल ऑडिटर बन ही नहीं सकता, बताया ना मैंने, कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं रहना चाहिए कंपनी से, समझाया, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, मालूम पड़ा, तो ही वो रिपोर्ट दे सकते हैं, अदरवाइज ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाले रिपोर्ट देंगे। हाँ, ये रिपोर्ट देंगे, ये सिर्फ इंटरनल मैटर से रिलेटेड, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ये सब, बाकी इनका रिपोर्ट कंपनी लॉ के अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, वो सब के लिए इनका थोड़ी चलने वाला है, उसके लिए आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट लगेगा, इसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है। हाँ, ये लोग क्या, मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, वेल डिजाइन, प्रॉपरली ऑपरेट है कि नहीं,
एवरीथिंग. ये इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बोलते ना बेटर सिस्टम है इंटरनल ऑडिट. सब कुछ प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, सब देखेंगे ये लोग, छोटी सी छोटी चीज पे ध्यान देंगे, उसको ऑडिट करेंगे, कुछ भी हुआ लैकुना डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट से, बराबर है, और मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या करेगा, काम करेगा फिर. सो याद रखना बेटा, इंटरनल ऑडिट इज वॉट इंटरनल ऑडिट. बच्चा लोग, इंटरनल ऑडिट इज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इट्स अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ व्हाट बेटा? इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश्ड. व्हाट स्टैब्लिश्ड? टू डिटरमाइन वेदर व्हाट, वेदर अदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वेल डिजाइंड एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड. ठीक है, तो ये सबको याद रहना चाहिए, ये जो मीनिंग है, बराबर है, मीनिंग डेफिनेशन जो समझना है समझो इसको, लेकिन सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए. ठीक है, क्या इंटरनल ऑडिट इज? व्हाट? अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ व्हाट? इंटरनल कंट्रोल. व्हाट इज इट? अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश्ड. व्हाट? स्टैब्लिश्ड टू डिटरमाइन व्हाट बेटा? वेदर अदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वेल डिजाइंड एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड. वेदर अदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वेल डिजाइंड एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड, है कि नहीं, वो सब देखना. कुछ भी वीकनेस रहेगा किससे किससे कम्युनिकेट करेंगे? मैनेजमेंट से, राइट? तो आप बोल सकते हो बेटा कि क्या क्या फीचर्स है इंटरनल ऑडिट जो है बेटा, इंटरनल ऑडिट का फीचर्स क्या क्या बोल सकते हो आप फिर? इंटरनल ऑडिट इज नॉर्मली डन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द कंसर्न. जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो नॉर्मली एम्प्लॉइज होते हैं कंसर्न के, बराबर है. ये क्या है बेटा? इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये क्या है? ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है बेटा. नॉर्मल सी बात है, इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट. इंटरनल ऑडिट इज अ व्हाट? पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. भाई ये नॉर्मली डन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द कंसर्न. इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है रे बाबा, बराबर है. नॉर्मली एम्प्लॉय करता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, ये याद रखने का. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अदर इंटरनल कंट्रोल्स. ये क्या करता है बेटा? क्रिटिकल रिव्यू करता है कि बाकी सब बराबर से चल रहा है कि वेल डिजाइंड और प्रॉपरली ऑपरेटेड है या नहीं. अकाउंटिंग कंट्रोल्स कैसा है वो सब चेक करेगा. ऑपरेशनल कंट्रोल कैसा है, जिसके बारे में आप लास्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके. अकाउंटिंग कंट्रोल्स कैसा है, ट्रांजेक्शन बराबर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्या प्रोसीजर, एवरीथिंग. ऑपरेशनल कंट्रोल कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसा है, सब कुछ ऑडिट करेगा, चेक करेगा. कुछ भी लैकुना हो रहा है, कुछ वीकनेस है, डायरेक्टली कम्युनिकेट वीकनेस टू द मैनेजमेंट. दैट इज व्हाट इंटरनल ऑडिट, बराबर है. तो वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आपके कंपनी को, याद रखना, आगे लेके जाने में भी बहुत बड़ा रोल क्या करता है, निभाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, रोल निभाता है. इट हैज अ मेजर रोल, बराबर है. व्हाट? कंपनी के ग्रोथ में सबसे मेजर रोल है इसका भी, राइट? क्योंकि ये आपको टाइमली सब गाइड करेगा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ आपको ये सिस्टम फॉलो करना है, इसको ऐसा रखना है पूरा. तो ये लोग गाइड करेंगे, ये लोग उसके ऊपर काम करेंगे. दैट इज व्हाट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. सो द रिव्यू इज डन बाय नॉर्मल. अब इसमें ये लोग रिव्यू क्या करते हैं? नॉर्मल ऑडिटिंग टेक्निक्स सच एज वाउचिंग वेरिफिकेशन, वाउचर वेरिफिकेशन, सब ये लोग खुद ही करते हैं, बराबर है. तो इससे क्या होगा बेटा? जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा उसका बहुत काम बच जाता है. तो इंटरनल देखो, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या बोलेगा? अच्छा, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है इस कंसर्न के पास, एक सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, वाओ, तब तो ये बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत स्ट्रांग है. क्योंकि इसके पास तो क्या है बेटा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है सेपरेट. सो पूरा चेक करेगा बेटा एवरीथिंग, राइट? तो याद रखो, इसमें रिव्यू कौन करता है बेटा? सब पूरा इंटरनल ऑडिटर. हु विल गोइंग टू रिव्यू इट? इंटरनल ऑडिटर पूरा रिव्यू करेगा. वाउचिंग वेरिफिकेशन वो खुद करने वाला है, जिससे एक्सटर्नल ऑडिटर का बहुत काम और टाइम बच जाता है. उसको सैंपल कम सिलेक्ट करना पड़ता है, उसका काफी टाइम बचता है बेटा, बराबर है कि नहीं. तो याद रखो, क्या फीचर्स हो गया? इट इज नॉर्मली डन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द कंसर्न. ये बेटा पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्रिटिकल रिव्यू होता है. इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करता है? क्रिटिकल रिव्यू करता है अदर इंटरनल कंट्रोल्स का. इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्रिटिकल रिव्यू करेगा अदर इंटरनल कंट्रोल्स का, समझे बच्चा लोग?
और अदर इंटरनल कंट्रोल्स में लाइक अकाउंटिंग कंट्रोल्स, ऑपरेशनल कंट्रोल, समझे आप लोग? वही चीज है, वही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। मतलब जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा वही करता है, बट ये पूरा कंपनी को मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है, ठीक है, रिव्यू, जो भी रिव्यू करके जो भी लैकुना होगा वो बताएगा मैनेजमेंट को, उसके ऊपर काम होगा, बराबर है, सब कुछ पूरा सिस्टम ऑडिट कर रहा है, ये सब मैनेज कर रहा है, मालूम पड़ा, ताकि अपना कंपनी अच्छे से चले, जो भी सिस्टम्स और प्रोसीजर है वो प्रॉपरली फॉलो अप हो, एवरीथिंग राइट है, वेल डिजाइन एंड प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए सब कुछ, तो याद रखना। और रिव्यू, नॉर्मली वाउचिंग वेरिफिकेशन ये खुद ही करने वाला है सब, नॉर्मल ऑडिटिंग टेक्निक्स, वाउचिंग वेरिफिकेशन, वाउचर सब चेक करना, पूरा वाउच करना सब प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, पैसे का क्या है, लेन देन क्या है, पूरा कुछ एरर फ्रॉड्स तो नहीं है, वेरीफाई करेगा वाउचिंग में सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस को चेक करना, वेरिफिकेशन में ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज को वेरीफाई करना, बराबर है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना, एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाट इंटरनल ऑडिट, मालूम पड़ा क्या बेटा, इंटरनल ऑडिट, करेक्ट। तो नेक्स्ट में हम लोग इंटरनल ऑडिट के बाद का पॉइंट पढ़ेंगे, तो इतना अच्छे से सब लोग को रिवाइज करना है, ओके।